कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान 26 अप्रैल शुक्रवार को यहां कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने थे पंजाब किंग्स। मैच की दूसरी पारी चल ही रही थी कि भारतीय लेजेंड रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल ट्विटर पर रोना गाना करने लगे। मतलब एकदम ही नहीं, लेकिन विचारों से लग रहा था कि कुछ ऐसा ही माहौल होगा। इससे पहले कप्तान सैम करन ने टॉस जीता और पहले बोलिंग करने का फैसला कर दिया। सुनील नरेन और फिल सॉल्ट ने एक बार फिर से केकेआर को ताबड़तोड़ शुरुआत दी। हालांकि इसमें पंजाब के फील्डर्स का भी उतना ही रोल था। इन्होंने सॉल्ट और नरेन दोनों की कैच गिराए और बदले में इन दो दिग्गजों ने 10.2 ओवर्स में 138 रन जोड़ डाले। इस टोटल पर नरेन 32 गेंदों पर 71 रन बनाकर आउट हुए। 163 के टोटल पर सॉल्ट 37 गेंदों पर 75 रन बनाकर वापस लौटे। ये विकेट 12.3 ओवर्स में गिरा। आंद्रे रसल 15.3 ओवर्स में 203 पर आउट हुए। अंत में 20 ओवर्स खत्म हुए तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने 6 विकेट खोकर 261 रन बना डाले थे। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 10 गेंदों पर 28 और आंद्रे रसल ने 12 गेंदों पर 24। इनके साथ वेंकटेश अय्यर ने 23 गेंदों पर 39 रन बनाए। जवाब में पंजाब के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही इरादे जाहिर कर दिए। पावर प्ले की आखिरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह आउट हुए। उन्होंने 20 गेंदों पर 54 रन जोड़े। रायली रूसो का विकेट 178 के टोटल पर गिरा। तब तक 12.3 ओवर्स फेंके गए थे और ये मार्क उठाए देख अश्विन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, कोई तो बॉलर्स को बचा लो प्लीज। अश्विन की इस पोस्ट पर युजवेंद्र चहल ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने एक जिफ डाला, इसमें लिखा था, सब भगवान जी के हवाले। अश्विन के ट्वीट पर फैंस ने भी खूब रिएक्ट किया। एक फैन ने लिखा, आईपीएल 2024 अभी तक का सबसे खराब रहा है। एक और फैन लिखते हैं, बिल्कुल भी मनोरंजक नहीं है, कभी कभार ठीक लगता है लेकिन अब तो लग रहा है कि जान बूझ कर बैटिंग पिच बनाई जा रही है, ये तो पागलपन है। हालांकि एक फैन को इसमें बोलर्स का फायदा भी दिख गया। इन्होंने लिखा, लेकिन इससे बोलर्स को ज्यादा पैसे भी मिलेंगे, है ना? अगर कोई भी छक्के मार सकता है तो बल्लेबाजों की वैल्यू कम हो जाएगी ना। मेरे विचार से अगले ऑक्शन में बोलर्स को ज्यादा वैल्यू मिलेगी। मैच पर लौटे तो पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्हीं के घर में परास्त कर दिया। इन लोगों ने 10 गेंदे बाकी रहते ही मैच 8 विकेट से जीत लिया। जॉनी बेस्टो 48 गेंदों पर 108 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनके साथ वापस आए शशांक सिंह ने 28 गेंदों पर 68 रन बना डाले। ये आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी रन चेज है। इतना ही नहीं, 20 ओवर्स के मैच में भी ये सबसे बड़ी चेज है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।